के डायरेक्शन में एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का पुलिस अपने अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में काम करते हुए आज नरवाना CIA इनके इंचार्ज सुखदेव सिंह के द्वारा अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही स्ट्रीक मुखबरी के आधार पर एक प्याज से भरे कैंटर को पकड़ा। और जब उस कैंटर की तलाशी ली गई तो प्याज के कट्टों की आड़ में डोडा पोस्त, जिसको यहाँ लोकल भाषा में भूखी बोल देते हैं, उसके कट्टे बरामद हुए। करीब 16 के करीब ऐसे कट्टे थे जो प्याज के कट्टों की आड़ में छुपाए हुए थे। और तुरंत इसके बाद ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को बुलाया गया। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को बुलाने के बाद जो भी NDPS एक्ट के तहत रिक्वायरमेंट कार्रवाई होती है वो की गई। जो ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर इसके साथ पकड़े गए हैं, एक आइसर गाड़ी है जो कि मध्य प्रदेश के नंबर पर रजिस्टर्ड है, ये दोनों ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर हैं, ये लोग भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें से एक का नाम आरिफ है, ये बेसिकली देवास डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और इसका जो साथी है इसका नाम है नईम शेख, ये भी वहाँ पर देवास मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ये दोनों 7 तारीख को इनको ये ट्रक की डिलीवरी प्राप्त हुई थी। ट्रक का मालिक आरिफ ही है, लेकिन इनसे इनका एक साथी जो ट्रक लेके खंडवा गया और खंडवा से ला के इन्होंने डिलीवरी दी, और डिलीवरी के बाद अब आगे यहाँ पे ये जीन में सप्लाई करने आए थे। इन सभी का एक प्रोफेशनल तरीका होता है कि जहाँ से सप्लाई करने के लिए लेके जाते हैं, और जो लोग बीच में इनको सामान प्रोवाइड करते हैं, ये लोग एक दूसरे के साथ अपना कॉन्टैक्ट शेयर नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद CIA नरवाना की टीम ने एक बहुत बढ़िया काम करते हुए इस मध्य प्रदेश से जो ये नशा हरियाणा में स्मगल हो रहा था, इस कड़ी पे काफ़ी बड़ी चोट पहुँचाई है, और उन लोगों का भी पता लगा लिया है जो लोग ये नशा सप्लाई करने के मुख्य सूत्रधार हैं, या फिर जो लोग यहाँ जींद में रह के नशा देवास से मंगवा रहे हैं। ऐसे 2 लोगों के नाम आए हैं, एक जो सप्लायर हैं, ये सप्लायर भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और खंडवा ज़िले से इन्होंने ये सामान लोड करवाया है, और यहाँ पे दानोदा गांव है जींद में, नरवाना तहसील के अंतर्गत ही, वहाँ पे जिस व्यक्ति ने सप्लाई लेनी थी उसके पास ये सामान पहुँचाने से पहले पुलिस ने पकड़ा है। जो भी अन्य व्यक्ति इसमें इस सारे नशे के स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं या किसी तरह से भी इनकी मदद कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और उन सभी को माननीय न्यायालय के सम्मुख अरेस्ट करके पेश किया जाएगा। तो सर, क्या कोई गिरोह है या पीछे से ही जैसे अभी बड़ी पकड़ी है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 16 कट्टे हैं ये, और उसमें करीब 320 किलो के करीब भूखी है, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में कमर्शियल क्वांटिटी कही जा सकती है। और ये बात कहने में मुझे कोई भी हिचक नहीं है कि जो लोग इस तरह के इतनी बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे हैं वो एक गिरोह के तौर पे ऐसा काम करते हैं। इनकी मुलाकात कहीं ना कहीं अन्य साथियों के थ्रू एक दूसरे के साथ होती है, और आई एम श्योर के जिस तरह से जींद में ये माल सप्लाई किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश देवास से जो ये सप्लायर्स हैं, ये देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की स्मगलिंग का काम को अंजाम देते रहे होंगे। हरियाणा में जो ये डोडा पोस्त की सप्लाई है, ये मुख्यतः मध्य प्रदेश और राजस्थान के एरिया से की जाती है, तो इसका जो एक्चुअल सोर्स है कि कहाँ से ये ट्रक में भरवाई गई है, ये जब इसकी अगली कड़ी के लोग गिरफ्तार होंगे उनसे भी बात तथ्य क्लियर हो पाएगी। कितनी कीमत होगी लगभग सर इनकी? ये रिटेल मार्केट में कीमत मुझे लगता है कि पर केजी के हिसाब से 10,000 रुपये में ये बिकता है, जो रिटेल में ये नशे के आदि लोगों को भेजते हैं, तो हिसाब से 320 किलो का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी काफ़ी बड़ी मात्रा में ही है, और काफ़ी बड़ी वैल्यू का ये NDPS पकड़ा गया है। तो सर, इनकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला कि ये पीछे से या यही काम है इनका? जो गाड़ी का ड्राइवर और जो कंडक्टर पकड़े गए हैं, मुझे लगता है ये सिंपल एक कैरियर्स हैं। तकरीबन इस तरह के जितना भी हमारा अनुभव है कि उसमें जो लोग सामान पहुँचाने का काम करते हैं उनमें सप्लायर स्वयं या फिर खरीदार खुद नहीं बैठ के आता, वो तकरीबन कैरियर्स को यूज़ करते हैं, तो ये दोनों भी कैरियर्स हैं। और एक डेड ड्रॉप पॉलिसी होती है कि एक आदमी जिसको दूसरे को देके जाएगा उसको बहुत ज़्यादा बातों का आइडिया नहीं होगा, लेकिन इन लोगों से हमें काफ़ी अहम क्ल्यू मिले हैं, और जो सप्लायर्स तक पहुंचने में पुलिस की काफ़ी मदद करेंगे। हरियाणा सरकार का बहुत कड़ा निर्देश है कि नशे के सौदागरों को किसी हालत में भी बाहर नहीं घूमने दिया जाएगा। उसी कड़ी में DGP श्री PK अग्रवाल ने इस महीने एक नशा विरोधी अभियान छेड़ा हुआ है, और जिसमें पूरे हरियाणा में इस महीने बड़े सख्त से सख्त कार्रवाई नशा के सौदागरों के खिलाफ की जा रही है।
हालांकि ये काम 365 दिन पुलिस चलाती है, लेकिन ये महीना स्पेसिफिकली NDPS जो नशे का काम करते हैं उनके खिलाफ अभियान के तौर पे चलाया हुआ है, खिलाफ अभियान चलाने के तौर पे चलाया हुआ है। श्री श्रीकांत यादव ADGP हिसार के द्वारा लगातार ना केवल नशे के खिलाफ ऐसे सुदागरों पकड़ने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है, बल्कि उनके द्वारा अलग अलग अभियान भी चलाए हुए हैं जिसमें जो नशे के आदि व्यक्ति हैं उनको नशा छुड़वाने की अपील की जाए। सामाजिक तौर पे, पंचायतों के तौर पे, किसी भी तरह के अन्य सोशल कार्यक्रम के तौर पे लोगों को जागरूक किए जाने का प्रयास उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है और जींद पुलिस लगातार उनके इस प्रयास को आगे बढ़ाने में लगातार जुटी हुई है। जहाँ तक बात है ये कि जींद में अब तक क्या क्या इसमें कार्रवाई हुई है, इस एक साल में हम करीब करीब 50 से ज़्यादा लोगों को अब तक जो नशे के व्यापार में संलिप्त थे उनको अरेस्ट करके जेल भेज चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ही मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि लड़ाई लंबी है और समाज के साथ मिलके जो भी ऐसे लोग हैं जो नशे को मिटाने में पुलिस का सहयोग करते हैं, एक बहुमुखी अप्रोच इसमें चाहिए। ना केवल सौदागरों को पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, ना केवल जो खरीद फोक का काम करते हैं उनको जेल भेजना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो लोग नशे के आदि हो चुके हैं उनका नशा छुड़वाना ज़रूरी है। उनके परिवार का, उस समाज का, सभी का सहयोग इसमें चाहिएगा। नशे के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी इस राक्षस के शिकंजों का शिकार ना हो पाए। ये सभी एक अलग अलग तरह के डायमेंशन हैं जो कि हरियाणा सरकार ना केवल इनको पकड़ने के लिए बल्कि जो बाकी जो मैंने आपसे बाकी दो तीन आस्पेक्ट डायमेंशन डिस्कस की है उसमें लगातार कटिबद्ध है और अलग अलग प्रोग्राम इस विषय में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं और जींद पुलिस भी एक पूरी अग्रणी भूमिका निभाते हुए जींद से नशा खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगी।